हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यानी कि राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश किस नाम से जाने जाते हैं? तो पहला आपका जो प्रश्न है, राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश किस नाम से जाने जाते हैं भाई? यानी कि शासनादेश, राज्य शासनादेश, केंद्रीय शासनादेश, सरकारी आदेश, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही चला जाएगा। तो राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश को हम राज्य शासनादेश के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? करें कि निर्वैयक्तिक, नापातुला, बाहर भीतरी बातें, अनौपचारिकता, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, जो है बाहर भीतरी बातें जो है कार्यालय आदेश का ए का मूल गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? करें संस्थापक महोदय को, प्रचार महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को या संपादक महोदय को, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, व्यवस्थापक महोदय को। तो अपने कार्यालय अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आप आवेदन किसे लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल जो है दीर्घ स्वर है? ठीक, कह रहे हैं कि दीर्घ, देखिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं, और ह्रस्व स्वर के कितने होते हैं? 4। तो अब इसी में आपको बताना है कि इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है। देखिए, कह रहे हैं कि बड़ा उ, बी नंबर ऑप्शन करें बड़ा, और सी नंबर बड़ी, या उपयुक्त सभी, तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं कितने? 4 के, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो ये आपके जो हैं 4 जो हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जो इन्हें हमें बोलने पर बहुत कम समय लगता है। ठीक, तो देखिए और दीर्घ स्वर आपके कितने हैं? 4, 7 होते हैं, तो 7 कौन कौन से हैं? देखिए बड़ा आ एक होता है, बड़ी ही होती है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, आए, ओ, आओ। ठीक, ये 7 हो गए आपके कौन? दीर्घ स्वर। ठीक, तो इस प्रकार डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहे कि प्रदर्शनी या प्रदर्शनी, सी नंबर कह रहे कि प्रदर्शनी या प्रदर्शनी, कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका 5 का बी नंबर सही हो जाएगा, प्रदर्शनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाला आपको यहाँ छांटना है, यानी कि कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त या मेघनाद या राहुल सांस्कृत्यान, तो कौन से इसमें गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर अशुद्ध शब्द है। देखिए राहुल सांस्कृत्यान जो है इस तरह से हो जाएगा, शुद्ध यन। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, सांस्कृत्ययन। ठीक, तो इस प्रकार डी आपका यहाँ अशुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रदर्शन, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं, करें कि दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। देखिए विसर्ग संधि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। विसर्ग संधि ये क्या है? प्रकार है। संधियाँ कितने प्रकार की? यहाँ पे 3 प्रकार की हैं। ठीक है, तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, तो ये जो है सी नंबर 1 क्या है आपका, स्वर संधि के प्रकार नहीं। ठीक है, स्वर संधि के प्रकार नहीं है, तो स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5 है ना। तो ये देखिए दीर्घ स्वर 1 संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, और एक वृद्धि स्वर संधि होती है, और एक अयादि स्वर संधि होती है। ठीक, तो इस प्रकार आपका
सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ 8 का नंबर का कौन सा हो जाएगा, इसमें डी नंबर सही हो जाएगा, दिग प्लस अंबर। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक, तो इस प्रकार आपका दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिग प्लस अंबर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि आजन्म शब्द में समास है, आजन्म में समास है, जन्म तक समास भी क्या, आजन्म का जन्म तक या जन्म से, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आप इन्हें तोड़ लीजिए, बताइए अब तो आ ही गया होगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि अब भाई भाव समास में क्या लगता है, पहले जो है उपसर्ग लगा रहता है किसी मूल शब्द के, तो ऐसे आप ब्रेक कर लीजिए, तो बड़ा आपका क्या उपसर्ग है, जन्म मूल शब्द है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो देखिए कर्मधारय का समास होता है, जो पहला पद होता है क्या होता है? विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है, क्या होता है? संज्ञा, उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। और द्वंद्व समास जो जिसमें दोनों पद क्या प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आप माता पिता दिन रात, इनको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? और का समास विग्रह में और शब्द आता है, ठीक है, और प्रभु समास जानते हैं, या जो है अपने मूल शब्द को छोड़कर किसी अन्य को बारे में बतलाता है, जैसे लंबोदर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि अधोलिखित शब्द में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, करें कि मुनिवर, सुसंग, पराधीन या दत्त चित, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, पराधीन। तो पराधीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पराधीन का समास विग्रह होगा पर के अधीन, पर के अधीन, तो के आया है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है, तो इस प्रकार यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कह रहे कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, अलम। तो ये अलम जो है आपका अलंकार में उपसर्ग है, इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है, करें कि प्राक, प्राग, प्रा या प्रागैति, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, प्राक जो है प्रागैतिहासिक का उपसर्ग है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आ, आप आ गए वाक्य में आ जो है शब्द है, यानी कि संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है, तो देखिए ये जो है आपका 13 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, अव्यय है, तो आ जो है क्या है? अव्यय है, ठीक, तो इस प्रकार सी सही हो जाएगा। तो अव्यय क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, कोई विकार नहीं होता है, उसी को हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय जैसे आज, कब, इधर, किंतु, किंतु परंतु, क्यों, जब, तब और तथा, अतः आदि शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय आपके कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं, एक पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा जो है विस्मादि बोधक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तस्यम रूप है, यानी कि अंधकार, अधियारा, अंधेरा या रात, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, अंधकार। अंधकार कैसा शब्द है? तस्यम रूप है, तस्यम रूप है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अंधेरा, अंधेरा, ठीक। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कंगन का तस्यम रूप कौन सा है, कह रहे कि कंकती, कंकण, कटकी फल या कंसारी, तो कौन सा हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, कंगन का जो तस्यम रूप है कंकड़, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्स्यम शब्द कौन सा नहीं है, इसमें आपसे पूछा है तत्स्यम शब्द नहीं है,
कह रहे हैं कि कार्य युक्ति श्रृंगार, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, जो कि नहीं आला पूछा है, तो आपका सी नंबर चक जो है तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं भाई? तो देखिए तीन इनके भेद होते हैं, कितने? तीन। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं, इसमें आपसे पूछा है कि कौन कौन है। देखिए ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, तो ये उपर्युक्त तीनों हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर पूछे उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछे, देखिए ये रचना के आधार पर था, अगर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछे तो शब्द के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? पांच। कौन से? तस्यम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण शंकर, ठीक है। अगर क्रिया के आधार पर अगर शब्द पूछे, क्रिया के आधार पर शब्द पूछे तो दो बताना, क्रिया के आधार पर दो, कौन से? एक भिखारी, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भिखारी और अभिकारी, अभिकारी, ठीक है, भिखारी और अभिकारी। अब देखिए भिखारी और अभिकारी के भी चार चार भेद होते हैं, भिखारी और अभिकारी के भी चार, इसको हटाते हैं तो भिखारी और अभिकारी के भी चार भेद। देखिए भिखारी शब्द के ये क्रिया के आधार पे हैं, भिखारी, भिखारी शब्द और अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द, ठीक। देखिए इसके भी चार भेद हैं, कितने? चार। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और इसके देखिए, और देखिए इसके भी कितने हैं? चार भेद हैं, एक क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है, ठीक। तो इस प्रकार आपके किसके? क्रिया के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। और देखिए अगर शब्द शक्ति के आधार पर पूछे तो तीन प्रकार के बताइए, अगर शब्द शक्ति के आधार पर तीन, जैसे वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? चलिए कह रहे कि मोहन, पुस्तक, नदी, कक्षा, तो कौन हो जाएगा समूह? देखिए समूह में क्या रहता है? कक्षा रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कक्षा होता है समूहवाचक में, ठीक। तो आपका यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए संज्ञा जो है पांच प्रकार की होती है, संज्ञा जो है पांच प्रकार की, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे कक्षा जो है समूह को बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार डी आपका सही हो जाएगा। चलिए करें कि इसमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? करें कि लोहा, राकेश, रविवार, पर्वत, तो बताइए भाई द्रव्यवाचक संज्ञा बताना, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, लोहा। आइए अगला देखते हैं, अगला करें कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? करें कि प्रश्नवाचक, देखिए यहाँ क्वेश्चन होता तो प्रश्नवाचक होता, कोई निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं लिख रहा, तो करें कि निजवाचक या संबंधवाचक भी नहीं लिख रहा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, जैसे अपना अपने तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है, तो आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सॉरी, सर्वनाम के कितने भेद हैं? छह भेद होते हैं। कितने भेद? छह भेद होते हैं, ठीक। तो सर्वनाम के छह भेद हैं, कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक। तो इस प्रकार आपके सर्वनाम के कितने भेद हैं? छह भेद हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, कहने की 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। तो विशेषण आपके कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। विशेषण कितने हैं? चार प्रकार के, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। चलिए तो इसमें कह रहे हैं कि 25 रुपये दीजिए, कह रहे कि क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है या आवृत्तवाचक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें भी? तो ऑप्शन नंबर 21 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, निश्चित वाचक संख्यावाचक है ना। इसमें कह रहा है कि 25 रुपये, तो 25 रुपये फिक्स कर दिया ना, तो कैसा है? निश्चित, निश्चित हो गया और संख्या है 1, 2, 3 क्या है? संख्या है, तो ये संख्यावाचक होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए कह रहे कि क्रिया के जिस रूप में से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है?
करे कि संभाव्य भविष्य, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। देखिए कहने की क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो, तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी नंबर चला जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने की हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। कहने की हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो प्रतिदिन ही आपका रेखांकित शब्द हो गया। चलिए कहने उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग में होता तो अगर अगर प्रति में लगा होता, इतना आधे में लगा होता, प्रति के पे लगा होता, पूरे में लगा है तो नहीं होगा। कह रहे कि अव्यय होगा, सर्वनाम होगा, देखिए सर्वनाम नहीं होगा। कह रहे कि कारक होगा, तो भैया कारक भी नहीं है, तो बच्चा कौन, बी नंबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अव्यय। तो अव्यय अभी आपको बताया क्या होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि बारी बारी में अव्यय है, यानी कि मात्रात्मक, न्यूनतावाचक, श्रेणीवाचक या रीतिवाचक, तो कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, श्रेणीवाचक है, मतलब एक एक क्रम से आइए, तो बारी बारी से आइए, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत बताएं, तो गलत वाला हमको बताना है। करें कि कमल, जलज, पंकज, सरोज, देखिए कमल के पर्यायवाची है बिल्कुल सही है। करें कि पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, बिल्कुल सही है, ये पुष्प के सब हैं। करें कि सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, तो ये भी आपका सरस्वती के हैं। करें कि सूर्य, देखिए दिवस, याम, वासर, गलत है, ये आपका सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, तो ये दिवस और वासर, दिवस वासर किसके हैं, ये दिन के पर्यायवाची हैं, दिन के पर्यायवाची हैं, ना कि सूर्य के, ना कि सूर्य के। तो इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पे आपका डी चला जाएगा। देखिए सूर्य के पर्यायवाची जैसे हैं, सूरज है होता है, सूरज, अंशुमान, अंशुमान हो गया, रवि हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहने कि हाथी का पर्यायवाची बताइए। कहने कि ब्यालराज या मकर, मकरंद होगा या मतंग होगा या पत्र, पत्रक पति होगा, कौन सा हो जाएगा। तो हाथी का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मतंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतंग, ठीक। तो हाथी के पर्यायवाची और देखिए, जैसे इनको गज भी बोलते हैं, गजराज भी बोलते हैं, गजराज भी बोलते हैं, गजेंद्र भी बोलते हैं, कुंजर भी बोलते हैं, करी भी बोलते हैं, राज बोलते हैं, हस्ती भी बोलते हैं, मदकल भी बोलते हैं, मदकल और करी वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके इन किसके हो गए, ये हाथी के हो गए। देखिए मकरंद जो है ये फूलों का रस या पराग का ये पर्यायवाची है, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कहने कि निम्नलिखित में उद्वत शब्द का विलोम क्या होगा। कहने कि विनय होगा, औन्नति होगा, अनुदर हो गया, विनीत होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, विनीत जो है उद्वत का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि उन्मूलन का विलोम होगा, उन्मूलन करें कि आमूलन, निमीलन या समूलन या रोपण, तो 28 कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा, रोपण, मतलब रोपण मतलब लगाना, तो पौधे को कहते हैं ना उन्मूलन कर रहे हैं, तो वैसे रोपण, तो डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक और नायिका के एक दूसरे के स्पेस में तड़पते हैं रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनना है। करें कि दुख के लिए, प्रेम के लिए, सहयोग के लिए या वियोग के लिए, तो कौन सा हो जाएगा 29 का, कहने कि नायक और नायिका एक दूसरे के वियोग में तड़पते, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, यहाँ आप वियोग भरेंगे। चलिए अगला देखते हैं, कहने कि करुणा किसी स्पेस की अपेक्षा नहीं करती, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनना है। कहने कि प्रतिशोध, प्रतिकार, प्रतिघात या पुरस्कार, बताइए 30 का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, प्रतिकार। तो करुणा किसी प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करें कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? करें कि अजन्मा, अजय, अजात शत्रु या अक्रांत, कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, अजात शत्रु। तो जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो तो अजात शत्रु हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। करें अकथनी शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। तो अकथनी के लिए करें जिसका खंडन ना हो सके, जो घोर या भीषण ना हो, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। तो इसका प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। करें कि राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या ढाढ़स बांधना। ठीक, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा, राह ना सूझना। तो चौकड़ी भूल जाना मतलब राह ना सूझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि चूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। करें दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाना। चलिए अगला चलते हैं। करें कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। करें कि पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर चला जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। करें कि प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। कहने कि सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। कहने कि परिश्रम करके, तो परिश्रम करके सफलता प्राप्त करें प्रकार है। करें सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, यहाँ संयुक्त वाक्य है। हाँ, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। करें कि तुम तुम्हारा काम करो, तुम का काम करो, तुम तेरा काम करो या तुम अपना काम करो। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, तुम अपना काम करो। चलिए, करें कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो वाच्य आपके तीन हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। तो बताइए इसमें कह रहे हैं कि कर्मवाच्य में प्रधान कौन है? तो कर्म में कौन, कर्म में आपका कौन सा कर्म प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्ता में, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, चलिए कह रहे कि से पृथक होने के लिए, से पृथक होने के अर्थ में किस कारक का उपसर्ग है? देखिए, जब अलगाव होना है तो किसका कारक होता है? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो इस प्रकार अपादान कारक किसके हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक, तो इसके कारक चिन्ह बताना था, परसर्ग। तो ऑप्शन नंबर देखिए, वो कारक जो है आपके कितने होते हैं? आठ होते हैं। कारक कितने होते हैं? आठ होते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए, अपादान कारक से संबंध का के की और अधिकरण में पर और संबोधन ए हरे। ठीक, इस प्रकार आपके आठ कारक हो गए, तो डी नंबर यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कहने की राधा ने कृष्ण से बातें की, रेखांकित शब्द के आधार पर कौन सा कारक है? देखिए, ये ने के दरे पर आपका रेखांकित शब्द है। ठीक है, तो कहने कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण, तो कौन सा हो जाएगा? तो कर्ता ने, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। कर्ता के लिए कारक चिन्ह क्या होता है? ने। तो इस प्रकार ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कहने की पीतल, देवनागरी, हिमालय, चीन। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, देवनागरी जो है आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। आइए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में है? कहने की अनुज, गौ, गुरुजन, लेखक। तो यहाँ पे आपको कौन सा बताता है? बहुवचन। तो देखिए, ऑप्शन नंबर
सी नंबर हो जाएगा गुरुजन। देखिए गुरु एक सिंगल शब्द है और जन जब लग जाता है तो ये बहुवचन बन जाता है। तो जैसे भाषण देने जाते हैं प्रिंसिपल साहब तो कहते हैं ना गुरुजन, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी सही हो जाएगा, गुरुजन जो है बहुवचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने की छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो भूतकाल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, बताइए कौन कहने की पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। देखिए छात्र स्कूल गए थे मतलब आप पढ़ के आ चुके हैं, तब पूछा जा रहा है किसी से कि बच्चे स्कूल गए थे, नहीं गए थे, तो महिला बोल रही है कि छात्र स्कूल गए थे, ठीक, तो यहाँ पूर्ण भूतकाल हो गया। चलिए कहने कि निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का उदाहरण, देखिए निपात जो है वाक्य का अंग होते हुए भी इनका कोई महत्व नहीं होता, अंग वाक्य अंग नहीं कहलाते हैं, ठीक, तो बताइए कहने जी अरे मात्रा यदि कौन सा हो जाएगा निपात में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 45 का ए नंबर हो जाएगा, जी में जो है आपका निपात का उदाहरण है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कहने कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कहने कि उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, या उसे शिमला जाना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। चलिए कह रहे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है कितनी है? तो अभी वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है, तो कितनी है? 22 भाषाएं। अगर पूछे कि जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी, तो आप बताएंगे 14, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी का पूछ रहा है तो 22 लगाइएगा जी, ठीक, जब मूल संविधान पूछेगा तब आप 14 लगाइएगा, जब 14 जब ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए देखिए मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, जो मैथिली बोली के इसमें से वो पूछ रहे हैं कि कौन से बहुत लोकप्रिय कवि हैं, कहने तुलसी हैं, जायसी हैं, विद्यापति हैं, या नंददास। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, विद्यापति हैं। आइए देखते हैं, दो क्वेश्चन आपके हिंदी वर्ड दिए हैं, उसका इंग्लिश आपको बनाना है, ठीक। कहने कि गुणता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या है? कहने कि क्वालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन, तो ए ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कहने कि इसमें आपकी इंग्लिश दिए हैं और आपको आपकी हिंदी बताना है, इसकी हिंदी। कहने कि प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया, तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका बी सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है, ठीक। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है, पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।